हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश और मेरा नाम है मनोज। आज जो वीडियो देखने वाले हैं, कल हमने एक वीडियो देखा था मोटरवे पे, तो हमारे एक भाई ने हमें सजेस्ट किया था वीडियो हज़ारा मोटरवे का, कि ये वीडियो देखिए आप। शायद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे, तो देखते हैं, फुली रोड्स चेक करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर छोटा वीडियो था। एक जगह एक दो जगह की लोकेशन थी वहाँ पे, तो ये इसमें शायद कुछ डिटेल में बताया गया होगा, तो देखते हैं हज़ारा मोटरवे। ओके मनोज, स्टार्ट करते हैं। अब रोड दिख रही है। इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज के करीब से ठाकोर तक हजारा एक्सप्रेसवे का मंसूबा बनाया गया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 180 किलोमीटर रखी गई। इस मंसूबे के तहत कराक्रम रोड पर सफर करने वाले हसन अब्दाल, हरिपुर, हवेलियां, हैप्टाबाद, मानसेहरा और शिंक्यारी जैसे शहरों को बाईपास कर जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके साथ साथ इन शहरों की अपनी ट्रैफिक भी बहुत कम हो जाएगी। ठाकोर ये कोई जगह है ना, होलिया ठाकोर, इस्लामाबाद से पेशावर जाना है, M1 मोटरवे। अस्सलामुअलैकुम, क्या है रिपोर्ट ट्रिप का नया एपिसोड और नया सफर, और आज का ये जो सफर है इसका बड़े अरसे से मैं इंतजार कर रहा था। ओके, हजारा एक्सप्रेस का वो पार्ट जो एपटाबाद से मानसेरा तक है उसे स्टार्ट कर दिया गया नवंबर 2019 में, तो ये बहुत बड़ी सहूलत हो गई है। पहले हजारा एक्सप्रेस की वजह से आप हसन अब्दाल, हरीपुर और हवेलियां को बाईपास कर जाते थे, और एपटाबाद और मानसेहरा जो शहर है उसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता था शराय कराक्रम पे। और आज इंशाल्लाह मैं इस पे सफर करूंगा और देखूंगा यहाँ पे क्या क्या सहूलतें हैं और टाइम की कितनी बचत हो रही है, तो मेरे साथ रहिए। तीन साल पहले M1 से शाह मकसूद इंटरचेंज तक हजारा मोटरवे का 45 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके खोल दिया गया था। इस हिस्से के खुलने से हसन अब्दाल और हरिपुर शहर बाईपास हो गए थे। हाल ही में शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा तक मज़ीद 50 किलोमीटर हिस्सा खोल दिया गया है, यानी मजमूई तौर पर अब तक हज़ारा मोटरवे का 95 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल करके आम ट्रैफिक के लिए खोला जा चुका है। मैं आज आपको शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा इंटरचेंज तक खुलने वाली मोटरवे की सैर करवाऊँगा, तो चलिए बिस्मिल्लाह पढ़कर सफ़र का आगाज़ करते हैं। यहाँ से लैंडस्लाइड तो होते नहीं होगा, नहीं पूरा पैक कर दिया। इसमें बाइक अलाउ नहीं है ना रोड पे। ये सी पैक के अंदर में आती है, प्लीज बताना। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना जा रहा रोड, ऐसा एक रोड है। वाओ, पुल ऊपर रोड है, ट्रेन का बहुत खर्चा किया, बहुत नहीं लागत बहुत ज़्यादा आई हुई है। जो क्वालिटी दिखती है टनल तो बहुत बड़ा बना। ये इस हिस्से की पहली टनल है। इस इंतहाई खूबसूरत टनल की लंबाई तकरीबन 2.25 किलोमीटर है। इसमें रोशनी के लिए लाइटिंग और हवा के गुजरने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। डबल लेन इस सुरंग में
छोटी गाड़ियों की हद रफ्तार 60 जबकि बड़ी गाड़ियों की हद रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा तय की गई है। नहीं नहीं ये तो ट्रक है, ये कितनी लंबी है? अच्छा लगा हम भी अंदर आके मौसम कर रहे हैं। ये वापस बनाना कितनी टर्न है? एक और टर्न हजारा एक्सप्रेस के इस हिस्से पर ये दूसरी सुरंग है। ओके। इसकी लंबाई तकरीबन 390 मीटर है। अच्छा, यहाँ भी रफ्तार वही 60 और 50 किलोमीटर है। अगर किसी वक्त सुरंग के अंदर लाइटें ना जल रही हों या आपको ज़्यादा रोशनी के लिए अपनी गाड़ी के लिए ज़रूरत पड़े तो आप हेडलाइट्स दिला सकते हैं। हजारा एक्सप्रेस की खूबसूरती के बारे में जितना सुना और देखा था माशाल्लाह इसने मायूस नहीं किया। लश ग्रीन वैलीज में बल खाती हुई सड़क जा रही है, सुभान अल्लाह। आप ये जो रोड की साइड्स पे ब्लॉक देख रहे हैं लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो बहुत अहम काम के साथ साथ देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। रोड खराब होगी भाई, हमारे यहाँ तो आधी रोड तो ऊपर से लैंडस्लाइड हो गए, टूट जाते हैं। शाह मकसूद से हजारा एक्सप्रेस के जरिए मानसेहरा जाते हुए एपटाबाद के बाद सिर्फ एक इंटरचेंज ही रास्ते में आता है, जिसे एपटाबाद मानसेहरा इंटरचेंज कहा जाता है, और इसका करीबी शहर कलंदराबाद बनता है। कलंदराबाद मानसेहरा और एपटाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़ है। हर जगह ऐसे ब्लॉक बनाते हैं। ये कभी गिरते नहीं, गिरते पता ना कभी गिरे हैं मेरे हिसाब से, तो क्या गिरा होगा, कोई गला नहीं होगा, पानो नहीं होगा। हमारे यहाँ तो बीच में लगाते हैं ना चाड़े लाइन, मानसेहरा पे आके मेरा ये सफर खत्म हो गया। शाह मकसूद इंटरचेंज से मानसेहरा सिटी तक 50 किलोमीटर का पैच है, जिसे रिसेंटली ओपन किया गया। आगे से ये सड़क थाकोट तक जाएगी, 80-85% उसका काम भी मुकम्मल हो चुका है। और शाह मकसूद से लेके मानसेहरा तक जब आप आते हैं तो रास्ते में एक सर्विस एरिया आता है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ, तो इट्स बेटर कि आप अपना फ्यूल वगैरह चेक करके निकलें। ये टोटल 50 किलोमीटर का सफ़र था, जो मेरा तकरीबन हार्डली 30 मिनट में हो गया। रास्ते में दो टनल आई थी, एक लंबी टनल है एक छोटी टनल है। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सड़क बनी है,
और इसमें ये एक फ़ायदा हो गया कि आपको एबटाबाद और मानसेहरा जैसे बड़े शहर थे नारान जाने वाले और पराक्रम रोड पर ट्रैवल करने वाले, उनके कम से कम 2 से 3 घंटे बच गए हैं। और इसके अलावा वो ट्रैफिक जो अनसर्टेनिटी का पता ही नहीं था, सिटी में मानसेहरा बाईपास पे आप फंस जाते थे, आपको उससे भी रिलैक्सेशन मिल गई है। हवेलिया इंटरचेंज से मानसेहरा तक का जो मैंने टूल पे किया वो है 40 रुपये, और रास्ते में सिर्फ एक सर्विस एरिया आया था, वो भी अभी ऑपरेशनल नहीं है। आप मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। 40 रुपये पाकिस्तानी रुपए है, इंडिया में 20 रुपये ही है अगर वे है तो। अच्छा हमारे यहाँ पे तो एक नॉर्मल पे 70 रुपये है, तो पाकिस्तान में कन्वर्ट कर 140 रुपये हो जाते हैं टोल पे। धन्यवाद। वाह ये कहाँ का है स्टेट। ओके तो फ्रेंड्स ये था वीडियो पूरा हज़ारा मोटरवे का। तो वाकई में बहुत मेरे को जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो लैंडस्लाइड जो ब्लॉक बना रखे हैं, वो ढलान भी वैसे ही बहुत यूं है तो वहीं होने का चांस बहुत कम है, ऊपर वापस वो ब्लॉक कर दिया तो वो बारिश होती है तब शायद वो नीचे आते ही नहीं होगा ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ लगी। और सड़कों पे काफ़ी खर्चा किया गया, ये सी पैक का हिस्सा है क्योंकि टनल पे मैंने चाइना और पाकिस्तान दोनों के फ्लैग देखे हैं, और जो टनल था वो बहुत खूबसूरत था, अंदर से ऐसा होटल लग रहा था मेरे को तो। हाँ अंदर जाके रुको कुछ करो, क्योंकि टनल के अंदर जब जाता है ठंडक बहुत रहती है और वैसे भी हमारा ठंडा एरिया है। और 40 रुपये टोल टैक्स ज़्यादा ही कम है, ऐसा लग रहा है हमको लूटा जा रहा है। हाँ हमारे यहाँ पे टोल प्लाजा पे फास्ट टैक्स सिस्टम होता है, अभी लॉन्च हो गया है तो गाड़ियाँ रुकती नहीं है टोल पे, ये चीज़ तो बेटर है पर महंगा बहुत कर दिया है। जैसे कि एक चिप होती है वो गाड़ी के फ्रंट में लगती है, और जब जैसे ही टोल प्लाजा आता है तो वो गाड़ी वहाँ पे आती है, उसको कैमरा उसको स्कैन करता है, उसके आपके खाते में से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। ये सिस्टम है इंडिया में टोल प्लाजा के, और जिसके पास ये चिप नहीं है उससे डबल टोल लिया जाता है। शिकार हुए हैं बंदे लग रहा है। तो फ्रेंड्स मनु को कुछ कमेंट करें, मेरे को एक तो लंबा वाला टनल और जो एक फ्लाईओवर बना हुआ था। हाँ फ्लाईओवर काफ़ी अच्छा था, और एक चीज़ और अच्छी थी इस रोड के बीच में जो बाउंड्रीज थी, हमारे यहाँ पे बाउंड्री नहीं होती, हमारे यहाँ पे झाड़ियाँ उगा दी जाती है। हाँ मतलब वो भी अच्छी लगती है, मतलब पेड़ उगाए जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ आते हैं झाड़ियों टाइप, वो उगा दिए जाते हैं, तो उसमें वैसे उधर का दिखता नहीं, पर होता ये है कि जब बारिश होती है तो बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी कटिंग भी करनी पड़ती है, तो कटिंग करने के लिए लोग आते हैं और फिर दुर्घटना हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है कभी कभी। गाड़ी हाईवे पे तो स्पीड से ट्रकें चलती है और लोगों को डाइवर्जन दिया जाता है, पर एक्सीडेंट तो होते ही है ना, तो दुर्घटना होने के चांस काफ़ी रहते हैं। ये चीज़ अच्छी लगी, जगह कम घेरती है, एक तरह से बाउंड्री हो जाती है, उधर से कोई गाड़ी आएगी इस साइड पर तो वो इधर इफेक्ट नहीं करेगी, तो ये चीज़ और अच्छी लगी मेरे को, एक साइड में बाउंड्री काफ़ी अच्छी की है। बाकी हाँ मैंने कुछ बोल रहा था, नहीं बस ये बता रहा था मैं, और वो जो कॉन्सेप्ट है लैंडस्लाइड वो बहुत, हाँ वो बहुत अच्छा, वो ब्लॉकिंग वाला है ना, बहुत अच्छा। ओवरऑल कैसा लगा भैया सड़कें कैसी लगी ओवरऑल? बहुत मस्त, ऐसी सड़कें तो अपन ने सही बोला। हाँ सही बता रहा हूँ, नहीं देखी नहीं देखी नहीं देखी हमने भी देखी, कहते हैं इनकी मार्किंग वगैरह भी एकदम, हाँ नहीं कहते हैं दिल्ली साइड और उधर एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस वे हमने देखे नहीं है, देखे होंगे तो भी रात को कभी गए होंगे तो बसों में या ट्रेन बाहर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, रोड पे जाने का काम होता नहीं है, तो एक्सप्रेस वे ऐसे हैं, तो होप्स हो कि हम भी देखेंगे कि इंडिया में जो एक्सप्रेस वे हैं कैसे हैं। बाकी जो यहाँ की जो रोड देखी क्वालिटी देखी वो वाकई में, क्योंकि रोड देखी और रोड पर गाड़ियाँ नहीं दिखी ना, तो रोड देखने को मिल रही थी। इंडिया में अगर हम कोई वीडियो देखें तो गाड़ी रोड नहीं दिखेगी, जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो इसी के साथ वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखेगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ख्याल रखेगा, बाय।